दोस्तों, उत्तराखंड टॉपर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो आपके लगभग अक्टूबर नवंबर तक हो जाएंगे। उन्होंने तो नेक्स्ट मंथ ही कहा है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि जो आपके एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम कौन से वाले, आपका जो 746 वाले फॉर्म भरे गए हैं ये एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, ये लगभग जनवरी फरवरी तक जा सकता है। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम पेंडिंग है, जैसे सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं, आबकारी सिपाही, परिवर्तन सिपाही और पशुधन प्रसार अधिकारी, वन दरोगों का कुछ कह नहीं सकते अभी, लेकिन ये तीन चार जो एग्ज़ाम है जो पेंडिंग है लगभग 2-3 सालों से, ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो देखिए, हमारा कोर्स कंटिन्यू है, हालांकि थोड़ी बहुत ही लेट आजकल हो रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो कोर्स है दोस्तों, जो बिल्कुल UKSSC का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है। हम सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम मैटर में हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो सके। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कहानियों के तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको फैक्चुअल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदी का वीडियो हमारा हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आपको जो हमारे अब तक कोर्स के वीडियो हुए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं, उत्तराखंड GK से संबंधित है। उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल हम कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के साहित्यिक स्रोत के बारे में। उत्तराखंड राज्य का जो इतिहास है उसके साहित्यिक स्रोत क्या क्या रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन उत्तराखंड की। सबसे पहले जो मोस्ट इसमें बिंदु हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक साहित्य की, यानी वैदिक साहित्य में उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है हमें, उसी नगर प्रदेश के नाम से मिलता है। ये सभी दोस्तों आपको ये जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं या मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट ज़रूर करने हैं। तो उत्तराखंड का उल्लेख जो मिलता है वैदिक साहित्य में किस नाम से मिलता है, उसी नगर प्रदेश के नाम से मिलता है। हालांकि उसी नगर के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँगा इसके बाद। अब इसके बाद आपको जो नोट करना है वो है बौद्ध साहित्य में ऋग्वेद में, यानी बौद्ध साहित्य और ऋग्वेद में भी क्या मिलता है, राज्य का नाम उसी नगर मिलता है। ये आपको सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा, इसलिए आप इनको नोट करते रहिए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जिस उसीर ध्वज पर्वत पर महात्मा बुद्ध गए थे। महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, अगर आपने बौद्ध धर्म अच्छे से पढ़ा होगा तो जिस पर्वत पर वो गए थे उसकी पहचान कहाँ से की गई है, कनखल, यानी चंडी की जो पहाड़ी है कनखल, कनखल आपको हरिद्वार में पड़ता है, वहाँ पर उसकी पहचान की गई है। तो ये बिंदु आपको नोट कर लेने हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी की उपनिषद में कुशीनगर को क्या बताया गया है, कुरु पांचालों और उनके वंशजों का पड़ोसी बताया गया, यानी उसी नगर प्रदेश को। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है हमें, ऋग्वेद में मिलता है। आपको पता होगा जो ऋग्वेद है वो पूरे विश्व का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो अगर आप मान के चले ऋग्वेद क्या है, भारत का पहला ग्रंथ है, तो उत्तराखंड राज्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं UKSSC द्वारा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात ऋग्वेद की ही कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है, देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करते चलने हैं। उसके बाद ऋग्वेद के अनुसार आर्य लोग कितने समूह में विभक्त थे, 5 समूह में विभक्त थे। आपको नोट करना है कितने समूह में, 5 समूह में। इनमें से पुरुवंशी, जिसको बाद में कुरुवंशी या भरतवंशी भी कहा गया, उनका उल्लेख भी कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और इन्हीं में से एक राजा थे दोस्तों, उनका नाम था त्रित्सु। ये क्वेश्चन 2019 में जो ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है, त्रित्सु संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो त्रित्सु भी इन 5ों में से क्या थे, एक राजा थे। जो लोग थे आर्य लोग थे कितने समूह में विभक्त थे, 5 समूह में विभक्त थे। इन्हीं में से कौन थे, एक राजा त्रित्सु थे। और त्रित्सु कहाँ के शासक थे, आपके मध्य हेमवंत के शासक थे। अगर हेमवंत हम किसे कहेंगे, तो हेमवंत जो कहा जाता है वो हिमालय को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेमवंत किसे कहेंगे, हिमालय को कहेंगे। तो हेमवंत का वैदिक नाम क्या है, आपका सुमेरु या मेरुमाना। देखिए, सामान्य पुस्तकों में आपको ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बहुत ही जो है 4-5 पुस्तकों से हमने संकलन किया है, तब आपके सामने वीडियो आ रही है। तो आपको पता होगा क्या, हेमवंत का नाम सुमेरु या मेरुमाना कहा गया है, किसमें, वैदिक साहित्य में। हेमंत क्या है, आपका हिमालय। तो हिमालय का ही वैदिक नाम क्या है, सुमेरु या मेरुमाना।
उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण का स्कंद पुराण में उत्तराखंड राज्य का जो कुमाऊं और गढ़वाल है उसके बारे में वर्णन मिलता है। तो स्कंद पुराण में संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? कुल 5 भागों में बांटा गया है। आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हिमालय क्षेत्र को स्कंद पुराण में कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भागों की जो हिमालय के 5 भाग हैं और उन्हें स्कंद पुराण में विभाजित किया गया है 5 भागों में। तो इनमें जो सबसे पहला भाग है आपका वो है कश्मीर, दूसरा जालंधर, तीसरा आपका केदारखंड, उसके बाद मानसखंड और उसके बाद नेपाल। अब हमारे राज्य से जो संबंधित है वो कौन से? आपका केदारखंड और दूसरा कौन सा है? मानसखंड। गढ़वाल क्षेत्र जो है उसको केदारखंड कहा गया है और जो मानसखंड कहा गया है किसे कहा गया है? कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है। तो दोस्तों थोड़ा मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये जो स्कंद पुराण में 5 भाग बताए गए हैं हिमालय के, तो उनको किस प्रकार जो भारत का मानचित्र है उसमें दर्शाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका जो भाग था वो कौन सा था? आपका कश्मीर। तो कश्मीर आपको पता होगा जो हिमालय की बेल्ट है ये वाली, इसमें सबसे पहले क्या पड़ता है? आपका हिमालय पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र है उसके बाद हिमाचल प्रदेश है और ये जो पंजाब है ये सारा आपका किस में आता है? हिमालय के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला आपका कौन सा? यहाँ पर कश्मीर। और उसके बाद जो दूसरा भाग है वो कौन सा बताया गया? जालंधर बताया गया। और जालंधर कहाँ है? आपका पंजाब में, यानी ये वाला क्षेत्र क्या बताया गया है? आपका जालंधर बताया गया है। उसके बाद सीधा बात कर लेते हैं, उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को अगर आप देखें, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं, तो उत्तराखंड राज्य के जो 2 भाग बताए गए हैं केदारखंड और मानसखंड। तो देखिए ये हमारा उत्तराखंड राज्य है, इसको अगर हम 2 भागों में डिवाइड कर दें तो ये वाला आपका गढ़वाल क्षेत्र और ये वाला आपका कुमाऊं क्षेत्र। तो गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया? आपका केदारखंड कहा गया है। और कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड कहा गया है। उसके बाद जो इस बेल्ट में आता है, हिमालय वाली बेल्ट में आता है, आपका कौन सा आता है? नेपाल क्षेत्र आता है। इसे क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में नेपाल क्षेत्र कहा गया है। अब जो स्कंद पुराण में जो विभाजन किया गया है, मैं आपके माध्यम से उसको समझ सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके और एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रह सके। बात कर लेते हैं अगले बिंदुओं की। तो दोस्तों केदारखंड को लेकर, सॉरी उत्तराखंड को लेकर 2 ग्रंथों का निर्माण किया गया है, वो कौन से? आपके मानसखंड और केदारखंड। देखिए वो हिमालय के भाग तो हैं ही, लेकिन जो स्कंद पुराण है वो एक ग्रंथ है और उसी के 2 ग्रंथ हैं मानसखंड और केदारखंड। इसमें जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसका गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा लिखा है जिन्हें स्कंद पुराण का ही भाग माना जाता है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि मानसखंड किसका भाग है, तो स्कंद पुराण का, और केदारखंड किसका भाग है? स्कंद पुराण का। अगर आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि मानसखंड और केदारखंड किसके भाग हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको ऋग्वेद, स्कंद पुराण या किसी और ग्रंथ का नाम दे सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंद पुराण हो जाएगा। अब स्कंद पुराण के अनुसार ही हम मान लेते हैं, जो पहला पॉइंट है आपका नंदा देवी पर्वत से काली तक, यानी काली को ही क्या कहा जाता है? शारदा कहा जाता है। तो नंदा देवी पर्वत से और काली तक जो फैला क्षेत्र है क्या कहलाता है? आपका मानसखंड कहलाता है और यही वर्तमान में क्या है? आपका कुमाऊं मंडल है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो है माया क्षेत्र से नंदा देवी के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? केदारखंड कहा जाता है, माया क्षेत्र से नंदा देवी तक के क्षेत्र को। तो यही क्या है? वर्तमान में गढ़वाल मंडल है। तो ये जो दोस्तों थोड़े फैक्ट हैं नंदा देवी से काली शारदा तक और माया क्षेत्र से नंदा देवी तक, ये आपको याद कर लेने हैं क्योंकि हूबहू परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है। अब उसके बाद जो दोस्तों नोट करने वाली बात है वो ये है कि नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों का विभाजन करता है। जो नंदा देवी पर्वत है वो क्या है? इनका विभाजन करता है, यानी इन दोनों का बॉर्डर है बीच में। तो ये इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद है पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? उत्तरखंड कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है और खसदेश कहा गया है। यानी इन नामों से जो हमारा केदारखंड और मानसखंड है इसका जो संयुक्त क्षेत्र है उसको संबोधित किया गया है उत्तरखंड के नाम से, ब्रह्मपुर के नाम से और खसदेश के नाम से। उसके बाद दोस्तों जो नोट करने वाली बात है, बौद्ध साहित्य व पाली भाषा के जो ग्रंथ हैं
कौन से? बौद्ध साहित्य में आपको बता चुका हूँ हिंदी की वीडियो में, पाली भाषा में उस टाइम उन ग्रंथों की रचना होती थी। तो पाली भाषा के जितने भी ग्रंथ हैं बौद्ध साहित्य के, उसमें उत्तराखंड के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया गया है? हिमवंत प्रयुक्त किया गया है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसलिए सभी प्रश्न आपको नोट जरूर करने हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है, स्कंद पुराण में बद्रिकाश्रम का उल्लेख किया गया है। अगर प्रश्न आता है बद्रिकाश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है आपका, स्कंद पुराण में मिलता है। और पुराणों में उत्तराखंड के अन्य क्या नाम मिलते हैं? देखिए ब्रह्मदेश मिलता है, खसदेश मिलता है, ब्रह्मपुर मिलता है और उत्तराखंड मिलता है। आप कहेंगे उत्तराखंड तो अभी वर्तमान में ही नाम है, तो देखिए जो उत्तराखंड नाम है, उत्तराखंड यह आपका उत्तराखंड राज्य का प्राचीन नाम है। हालांकि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उस टाइम नाम क्या दिया था गवर्नमेंट के द्वारा? उत्तरांचल दिया गया था, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एक शब्द है खंड, ये किसका प्रतीक होता है? विभाजन का प्रतीक होता है, इसलिए सरकार द्वारा इसको उत्तराखंड नाम नहीं दिया गया था, उत्तरांचल नाम दिया गया था। लेकिन 2007 में क्या हुआ, उत्तरांचल से उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया, यहाँ की जो संस्कृति है और लोगों की भावना है उसको देखते हुए, क्योंकि जो पुराने ग्रंथ हैं प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें क्या नाम मिलता है उत्तराखंड राज्य का? उत्तराखंड मिलता है, उत्तरांचल नहीं मिलता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम रामायण कालीन उत्तराखंड की। रामायण काल में उत्तराखंड का क्या इतिहास रहा है? परीक्षा की दृष्टि से जो भी बिंदु महत्वपूर्ण है उनका हमने संकलन किया है, तो आप सभी ये जो पॉइंट है इनको नोट जरूर करिए। तो पहला जो दोस्तों इसमें पॉइंट हमारा वो है, रामायण काल में उत्तराखंड की प्रतिष्ठा देवभूमि के रूप में स्थापित थी। देखिए ये कोई पूछने वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए हमारा जो उत्तराखंड राज्य है रामायण काल में भी किसके रूप में स्थापित था? देवभूमि के नाम से ही स्थापित था। उसके बाद है आपका टिहरी जनपद में स्थित तपोवन। तपोवन में क्या किया था? लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, आप सभी ने पढ़ा होगा जो सामान्य किताबें हैं और परीक्षावाणी जैसी, उनमें भी क्या है इसका उल्लेख है। तो लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तपोवन में तपस्या की थी, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद है यहाँ पर सीता जी ने अपने द्वितीय वनवास का समय व्यतीत किया था, कहाँ पे किया था? टिहरी में। और अंत में क्या हुआ था? सीता माता सीतोनश्यु पट्टी में समा गई थी। ये कई बार आपने पढ़ा होगा जो सामान्य पुस्तकें हैं उनमें बताया गया है, जो सीता माता थी वो देवप्रयाग स्थित जो सीतोनश्यु पट्टी है उसमें समा गई थी, और इसी कारण यहाँ पे क्या लगता है प्रतिवर्ष मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? मंसार में। और मंसार आपका किस जनपद में है? टिहरी जनपद में है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। कर लेते हैं महाभारत कालीन उत्तराखंड की, यानी महाभारत काल में उत्तराखंड राज्य का क्या इतिहास रहा है। हालांकि हमें ज़्यादा इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो हमने यहाँ पे संकलित किया है। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या है आपका? सभा पर्व। परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए सभा पर्व में क्या है आपका? जाति व्यवस्था और यहाँ की भौगोलिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। किसमें? आपके महाभारत के सभा पर्व में। अगर बात करें आदि पर्व की, तो आदि पर्व में क्या है? अर्जुन का विवाह ऐरावत कुल के राजा नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी से हुआ था। बहुत ही अच्छे नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, तो इसलिए आपको नोट जरूर करने हैं। क्या हुआ था? अर्जुन का विवाह ऐरावत कुल के राजा नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी से हुआ था, और ये विवाह कहाँ हुआ था आपका? गंगा द्वार। गंगा द्वार किसे कहा जाता है आपका? हरिद्वार, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो तीसरा है दोस्तों वो है वन पर्व। देखिए वन पर्व यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो अर्जुन और शिव के युद्ध का उल्लेख मिलता है, किसमें? वन पर्व में मिलता है। और पांडवों की हरिद्वार से भृंगतुंग की जो यात्रा है उसका वर्णन भी मिलता है कहाँ पर? वन पर्व में। यानी पांडवों ने जो हरिद्वार से भृंगतुंग की यात्रा की थी उसका वर्णन मिलता है किसमें? वन पर्व में। और अगर अन्य की हम बात करें, पांडव अपने अज्ञातवास के काल में बैराटगढ़ के राजा विराट के यहाँ कुछ समय व्यतीत किए थे। यानी पांडवों ने क्या किया था अपने अज्ञातवास के दौरान? जो बैराटगढ़ है आपका कालसी क्षेत्र, और वहाँ के राजा थे राजा विराट, उनके यहाँ कुछ समय अपना व्यतीत किया था। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बिंदु महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात कर लेते हैं जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति का को किससे संबंधित माना जाता है? पांडवों से संबंधित माना जाता है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो लाखा मंडल से भी महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपको पता होगा जो लाखा मंडल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महाजनपद काल की।
तो महाजनपद काल के बारे में वैसे ज़्यादा तो जो साक्ष्य है वो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत से बिंदु ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो आपको ध्यान रखना है, महाजनपद काल में उत्तराखंड का अस्तित्व था ये आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर किसी बड़े राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा साक्ष्यों का या ज़्यादा जो राजवंश थे महाजनपद काल में, उत्तराखंड राज्य में उनका उल्लेख नहीं मिलता है। परंतु कुछ छोटे छोटे राजवंश यहाँ रहे होंगे जो कि निम्न प्रकार हैं। आप देखिए, सबसे पहले बात करें हम कालकूट की, तो कालकूट का जो क्षेत्र है वो ऊपरी यमुना नदी यानी ये कालसी के ही आसपास का क्षेत्र है। और दूसरा है आपका कुलून। देखिए, जो उत्तराखंड राज्य की इतिहास की पुस्तकें हैं उसमें कुलून को क्या बताया गया है, आपका कालसी क्षेत्र ही बताया गया है। तो अगर परीक्षा में कभी प्रश्न आ जाता है कुलून, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कालसी। हालांकि इसका जो कुलून का जो क्षेत्र था वो क्या था, सतलज व टोंस के बीच। तो टोंस से तो यहाँ समझ में आ जाता है कि कालसी के ही आसपास का क्षेत्र है, लेकिन सतलज बहुत दूर हो जाती है पंजाब, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कुलून का संबंध किससे है, कालसी से है। अब जो तीसरा है वो क्या, आपका कत्री। तो कत्री का जो क्षेत्र रहा होगा वो क्या रहा होगा, अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में। उसके बाद है आपका रंकू, तो रंकू का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो क्षेत्र था उसका संबंध किससे था, उत्तराखंड राज्य से था, हालांकि इसके क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कुशीनगर। देखिए, बौद्ध साहित्यों में और ऋग्वेद में उत्तराखंड को इस नाम से संदर्भित किया गया है, लेकिन जो कुशीनगर है अगर उसके पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें तो कनखल, और कनखल आपका कहाँ पड़ता है, हरिद्वार में। उसके बाद हम बात करें भारद्वाज की, तो जो भारद्वाज क्षेत्र था वो आपका कौन सा क्षेत्र रहा होगा, गढ़वाल क्षेत्र रहा होगा, ऐसा यशवंत कठौत जी की पुस्तक में दिया गया है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब आता है दोस्तों मौर्यकालीन उत्तराखंड। तो मौर्यकालीन उत्तराखंड का जो सबसे हमें उपयुक्त यानी सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है वो कौन सा प्रमाण है, आपका कालसी शिलालेख। किससे संबंधित है, महान अशोक सम्राट से संबंधित है। तो यही जो है मौर्यकालीन उत्तराखंड का सबसे बड़ा साक्ष्य है उत्तराखंड राज्य में। और इससे क्या पता चलता है हमें कि उत्तराखंड राज्य में भी मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र था। तो हिमालय का यह प्रदेश मौर्यों द्वारा विजित प्रदेश था। कौन से प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उत्तराखंड प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो हिमालय क्षेत्र का जो प्रदेश है किसके द्वारा विजित था, मौर्यों के द्वारा जीता गया था। किसने जीता था, आपका चंद्रगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त ने हिमालय राजा परवर्तक से एक मैत्री संधि के तहत इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। कौन थे उस टाइम राजा, परवर्तक, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अब जो पॉइंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात कर लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, आपके मोगलीपुत्र तिस। आपने जीएस में पढ़ा होगा भारतीय इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में। तो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हिमवंत में धर्म विजय के लिए थेर मज्जिम और उनके चार साथियों को भेजा था। किसने भेजा था, मोगलीपुत्र तिस ने। और किसके लिए भेजा था, उत्तराखंड राज्य में धर्म प्रचार के लिए। किसके लिए भेजा था, धर्म प्रचार के लिए। तो अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था, तो मज्झिम के द्वारा किया गया था। पूरा नाम क्या था उनका, थेर मज्झिम, और उनके चार साथियों द्वारा किया गया था, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। और इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है, सांची के स्तंभ लेख से होती है। इस प्रकार के प्रश्न आयोग की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और आगे की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी इनकी संभावना बनती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कालसी से जो प्राप्त अशोक का शिलालेख है उससे क्या ज्ञात होता है कि देहरादून जनपद और तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र कौन सा है, आपका देहरादून, हरिद्वार और आपका उधम सिंह नगर। हरिद्वार और उधम सिंह नगर मुख्यतः तराई क्षेत्र हैं, तो ये सभी क्या थे, मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कालसी शिलालेख के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कालसी शिलालेख कहाँ स्थित है, कालसी में स्थित है। और अगर आता है डायरेक्ट, जैसे आजकल आयोग पूछ रहा है, अगर आपसे तहसील पूछ ले कि जो कालसी शिलालेख है वो किस तहसील में स्थित है देहरादून की, तो चकराता तहसील में स्थित है। और अगर जिले की बात करें, जिला आपको पता है कहाँ पे है, देहरादून में। और किस नदियों के संगम पर स्थित है, तो यमुना नदी और टोंस नदी के संगम पर है, आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने की थी, तो एक व्यक्ति थे, फॉरेस्ट नाम था उनका, और कब की थी, 1860 में इन्होंने जो कालसी का शिलालेख है उसकी खोज की थी।
अब दोस्तों अगर उससे विस्तृत प्रश्न बनते हैं तो देखिए आप समझना होगा आपको यहाँ पे कांस्य अभिलेख में एक बड़ी चट्टान पर क्या बना है, एक हाथी बना है, यानी हाथी की आकृति है शिलालेख में, और जिस पर क्या लिखा है गजतमे लिखा गया है। यहाँ पर गजेतम लिखा है लेकिन क्या लिखा गया है गजतमे लिखा गया है। इस शिलालेख में कांस्य क्षेत्रों को क्या कहा गया है, अपरांत कहा गया है। आपको ध्यान रखना है कांस्य क्षेत्रों को क्या कहा गया है, अपरांत कहा गया है, और कांस्य क्षेत्र के जो निवासी है उनको क्या कहा गया है, पुलिंद शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया है। यानी कांस्य क्षेत्र को क्या कहा गया है, अपरांत कहा गया है, और जो कांस्य क्षेत्र के निवासी हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो दोस्तों अशोक का शिलालेख है वो अशोक के आंतरिक प्रशासन से संबंधित है, प्रश्न यहाँ से भी डायरेक्टली आपके लिए बन सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो शिलालेख है इसकी भाषा क्या है, जो कि सबसे ज्यादा विवादित प्रश्न रहा है अब तक का। तो आपको सिंपल याद रखना है इस शिलालेख की जो भाषा है वो कौन सी है, प्राकृत भाषा है। कैसी भाषा है, प्राकृत भाषा है, और इसकी लिपि कौन सी आपकी ब्राह्मी लिपि है। अगर आपसे सीधा प्रश्न बन जाता है कि जो शिलालेख है किसके संबंध में है, तो अशोक के आंतरिक प्रशासन के विषय में बताता है, यानी अशोक के आंतरिक प्रशासन के विषय में ये शिलालेख स्थापित किया गया था। यहाँ से भी आप आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकता है। और देखिए दोस्तों ये शिलालेख यहाँ पर स्थापित क्यों किया गया था, उसमें ऐसे क्या प्रावधान किए गए थे। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि इन नीतियों को लागू करने के लिए सम्राट ने, सम्राट किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अशोक की बात कर रहे हैं, यानी सम्राट अशोक ने पशुओं को अनावश्यक मारने पर प्रतिबंध लगाने के लिए, किसको, पशुओं को अनावश्यक मारने पर प्रतिबंध लगाने के लिए, जानवरों और इंसानों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, यानी स्वास्थ्य सुविधा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा का भी इस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है जो उसमें मुख्य जो फोकस किया गया था वो किस पर किया गया था, पशुओं पर किया गया था, यानी पशुओं को अनावश्यक मारने पर और उनकी स्वास्थ्य सुविधा पर, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक हमारी पुस्तक है कुमार संभव, आपको पता होगा कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि एक बहुत ही महान कवि हैं भारत के इतिहास में। तो इस रचना में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, अनंत तत्वों का जन्मदाता कहा गया है, किसमें, कुमार संभव में, और कुमार संभव के लेखक कौन है, कालिदास। उसके बाद है आपका रघुवंश काव्य, तो रघुवंश काव्य में गढ़वाल को क्या कहा गया है, गौरी गुरु कहा गया है। क्या कहा गया है, गौरी गुरु कहा गया है। ये वन लाइनर है आपको जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें नोट करते रहना है। उसके बाद बात करें जहांगीरनामा की, तो जहांगीरनामा में भी किसका, कुमाऊं और गढ़वाल का उल्लेख मिलता है, और इस ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है, लक्ष्मीचंद और श्याम शाह। लक्ष्मीचंद यानी कुमाऊं की बात कर रहा है और श्याम शाह आपका गढ़वाल की बात कर रहा है। तो लक्ष्मीचंद और श्याम शाह का वर्णन किस में मिलता है, जहांगीरनामा में मिलता है। यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है। उसके बाद बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो में क्या कहा गया है, कुमाऊं को कुमुगढ़ कहा गया है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम किसकी, ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख किस प्रकार किया गया है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 14, यानी 14 कुल ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो अनेक लेकिन जो मुख्य हैं वो कितने हैं, 14 हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कौशिति की ब्राह्मण की, तो कौशिति की ब्राह्मण में क्या उल्लेख किया गया है कि वाग देवी का निवास स्थान राज्य के बद्रिक आश्रम को बताया गया है। तो यानी अगर आप सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाग्देवी का निवास स्थान राज्य के बद्रिक आश्रम को बताया गया है लेकिन किस ग्रंथ में बताया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौशिति की ब्राह्मण। उसके बाद बात कर लेते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण की, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से प्रश्न बन चुका है परीक्षा के लिए। तो आप सिंपल समझिए, उत्तराखंड राज्य के उत्तर कुरुओं के निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी वैदिक काल में किसका, उत्तर कुरुओं का यहाँ पर निवास था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या वहाँ पे यूज किया गया है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तर कुरु मिलता है। बात कर लेते हैं बौद्ध ग्रंथ की, तो बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड का नाम क्या मिलता है, मैं आपको बता चुका हूँ, हिमवंत यहाँ पे मिलता है। उसके बाद अगर हम यात्रा वृतांत की बात करें, तो जो सबसे प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है उत्तराखंड राज्य के इतिहास में वो किसका है, वेनसांग का है। वेनसांग कब भारत आया था, तो 629 ईस्वी में
जो ह्वेनसांग है वो भारत आया था, और कब तक रहा था, ये रहा था आपका 645 तक भारत में रहा था, और इसने यहाँ पे बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा ली थी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 634 की। 634 ईस्वी में क्या किया था, जो ह्वेनसांग था वो उत्तराखंड राज्य में आया था, यानी उत्तराखंड राज्य में इनका प्रवेश हुआ था, और इन्होंने जो मुख्य फोकस किया यहाँ पे किस पे किया, हरिद्वार क्षेत्र पर, और उत्तराखंड राज्य को उन्होंने क्या कहा, पोली हिमो पुलो, क्या कहा उत्तराखंड राज्य को, ये आपको याद करना है बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे लिखा है, हालांकि यहाँ पर ला लिखा है लेकिन ये क्या है, लो है। तो पोली हिमो पुलो किसको कहा गया है, उत्तराखंड राज्य को कहा गया है, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पोली हिमो पुलो का ब्रह्मपुर होता है, यानी ह्वेनसांग ने उत्तराखंड को क्या कहा है, ब्रह्मपुर कहा है। और ह्वेनसांग ने क्या उल्लेख किया है, यहाँ की कृषि व्यवसाय धर्म मंदिर आदि के साथ स्त्री देश का वर्णन किया है। देखिए ये महत्वपूर्ण है कि स्त्री देश का वर्णन किया है किसने, ह्वेनसांग ने, तो परीक्षा की दृष्टि से ये जो सभी बिंदु हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों बात करें, ह्वेनसांग ने गोविषाण के नाम से एक स्थल का उल्लेख किया है, किसके नाम से, गोविषाण के नाम से, और प्रोफेसर कनिंगम के द्वारा ये जो गोविषाण है इसकी पहचान की गई है किससे, काशीपुर से। यानी अगर से सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काशीपुर का प्राचीन नाम क्या होगा, गोविषाण, और इसकी इसका जो पहचान की है किसने की है, प्रोफेसर कनिंगम ने की है, लेकिन अगर प्रश्न आता है कि उल्लेख किसने किया है गोविषाण का, तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग के द्वारा। उसके बाद हरिद्वार को क्या कहा है दोस्तों, मोयुलो कहा है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनता है, अगर उत्तराखंड की या ब्रह्मपुर की बात करेगा तो पोली हिमो पोलो, और अगर हरिद्वार की बात करेगा तो मोयुलो, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये दोस्तों लिंक है, इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, अब जो वीडियो बनेगी। तो दोस्तों ये जो PDF है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल, तो दोस्तों इस वीडियोस की जो PDF है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस PDF में जो लिंक दिए गए हैं इनके द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जल्दी दोस्तों अब उत्तराखंड की, दोस्तों इस ऑनलाइन क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस PDF में जो लिंक दिए गए हैं इनके द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगली वीडियो जो रहेगी वो हिंदी की रहेगी, उसमें हम हिंदी की बोलियों के बारे में बात करेंगे, तो जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सिलेबस है उसको हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप हमारे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में नहीं जुड़े हैं तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।